जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और जिला शोपियान के लिए एक अहम खबर लेके आपके सामने नजर। आप जानते हैं कि जिला शोपियान में एआरटीओ की ट्रांसफर के बाद जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बड़े परेशान थे, क्योंकि कई लोगों के जो है ड्राइविंग टेस्ट वगैरह वो नहीं दे पा रहे थे, एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, और कई लोगों की फिटनेस को लेके बड़ा मसला जो है लोगों को था। वो कहीं जो इश्यूज थे, चाहे आरसी ट्रांसफर का मसला हो, चाहे दीगर जो है ट्रांसफर को लेके जो वसाइल मसाइल जो थे वो लोगों के थे, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि जिनको एआरटीओ शुपियन एडिशनल चार्जेस थे जायद अजा सा वो ट्रांसफर हुए, उसके बाद जो है कोई भी एआरटीओ नहीं आया, और लगातार जो है एआरटीओ शोपियन ऑफिस से लगातार जो है ये नोट से निकाली जा रही थी कि किस तरह जब तक हमें नए एआरटीओ शोपियन नहीं आते तब तक जो है कोई भी काम जो नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइविंग पावर्स जो है वो सब जो है एआरटीओ के होते हैं, लेकिन एआरटीओ ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस बार जो है खुशखबरी है जिला शोपियान के आवाम को, क्योंकि अब जो है नए एआरटीओ शोपियान आ चुके हैं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो है बीडीओ केलर जो कि केएस ऑफिसर हैं शकील अहमद, बट वो आप एडिशनल चार्जेस एआरटीओ शोपियान के जो है संभालेंगे, और 21 से कहा जा रहा है 21 नवंबर से जो है तमाम कामकाज जो है एआरटीओ शोपियान ऑफिस एआरटीओ ऑफिस के जो तमाम काम है, जो पेंडिंग काम है वो जो है किया जाएंगे। लेकिन इस बार मैं बता दूं आपको कि जो शकील अहमद भट्ट साहब हैं, जो कि अभी जो है करंट में बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कैलर में हैं, और बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट और यंग हैं, डेडिकेटेड हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो लोगों के मसाइल, लोगों की पेंडिंग फाइल्स और ट्रायल्स जो है वो विद इन नो टाइम जो है वो हल कर देंगे, ये जो मसले हैं लोगों के हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था जिले शोपियान में। और डीसी शोपियान की भी हम सताइश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रख के या वीडियो कैलर शकील अहमद भट्ट साहब को जो है एडिशनल चार्जेस एआरटीओ शोपियान दे दिए। अब इसके बाद जो है लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे, लोगों को ड्राइविंग टेस्ट देने थे, कहीं लोगों की गाड़ियों की फिटनेस, कहीं लोगों को आरसी ट्रांसफर गाड़ियों का, कई तरीके के जो है ट्रांसपोर्ट लिहाज से अगर बात की जाए तो कई बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राहत वाली खबर जो है वो सामने आई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर फजल हसीब साहब ने बीडीओ कैलर शकील अहमद भट्ट साहब को जो है एडिशनल चार्जेस एआरटीओ शोपियान के दे दिए हैं, और ये जो है आप कल से ही ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो है लोगों के वसाइल जो है जो लोगों की जो जरूरतें हैं एआरटीओ ऑफिस में, चाहे वो ट्रायल को लेके है या बाकी चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो एआरटीओ ऑफिस में उनको लेने हैं या वहां पे साइन एआरटीओ के करवाने थे, कई लोगों से हमने बात की तो कहीं ना कहीं लोग भी परेशान थे इस चीज को लेकर। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मसला लोगों का हल कर लिया है। अब कुछ दिनों के बाद जो है फिर से स्मूथली जैसे काम चलता था एआरटीओ ऑफिस में वैसे चलेगा, ट्रायल भी चलेंगी और सब डॉक्यूमेंटेशन का काम भी होगा, क्योंकि अब जो है एआरटीओ शोपियान नहीं एआरटीओ शोपियान जो है शकील अहमद भट्ट साहब आ चुके हैं। अब उनकी क्यादत में एआरटीओ ऑफिस जो काम करेगा और उनकी क्यादत में तो तमाम अमला काम करेगा, और इंशाल्लाह देखने वाली बात यह होगी कि लोगों के जो ट्रायल वगैरह है वो जल्दी उनके ऊपर ट्रायल लेंगे, और क्योंकि नोटिफिकेशन बार बार पोस्टपोन की निकली गई थी। अब जो रीशेड्यूल कब होगा ये भी हम आपको बताएंगे तब, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी आप देख सकते हैं कि हम भी ऑर्डर्स वगैरह जो है इस पे हम जो है पोस्ट करते हैं, ताकि आप लोगों तक भी खबर पहुंचे कि किस तरह से हमारे जिले में कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो इस हवाले से बड़ी खबर थी कि किस तरह से एआरटीओ शोपियान नए एआरटीओ शोपियान जो है वो शोपियान का आप चार्जेस संभालेंगे, एआरटीओ शोपियान के चार्जेस संभालेंगे, और साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ी खबर थी, क्योंकि लोग डेढ़ परेशान थे। अब कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी का इजाला जो है होने वाला है। मजीद जानकारी अपडेट के लिए आप देखते रहिए जीके 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।